इथर्स का आईयूपीएसी इज गिवन बाय द नेम अल्कोक्सी एल्केन। अब अगर फर्स्ट रिएक्शन बेटा देखोगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से है। दो चीजें होती है अल्कोहल का, इफ द टेम्परेचर इज 443 केल्विन इट विल फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन, इट इज गोइंग टू फेवर व्हाट, एलिमिनेशन। एंड इफ द टेम्परेचर इज 413 केल्विन, अगर टेम्परेचर कम हो गया तो इट इज गोइंग टू फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ओ आधी शुरू हो गया, आधी ओके। सो व्हेन द टेम्परेचर इज 443 केल्विन क्या होता है, एलिमिनेशन। और अगर 413 होगा तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। एंड सब्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू गिव अस व्हाट, इथर। ओके एंड एलिमिनेशन इज गोइंग टू गिव अस व्हाट, एल्कीन। अब मुझे ये बताओ जो इथर बना उसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, एग्जैक्टली इथॉक्सी इथेन। ओके अब मैकेनिज्म कितने मार्क्स का आता है बोर्ड्स में, 3 मार्क्स का, एग्जैक्टली 3 मार्क्स का आता है मैकेनिज्म, ठीक है। तो लेट्स लुक एट द मैकेनिज्म, हमेशा याद रखना मैकेनिज्म करने से पहले कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, और जब ये यहाँ पे अटैच होगा तो जो हमारा ऑक्सीजन है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे दूसरे वाले के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन की तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव के पास, ठीक है। तो ये अगर पॉजिटिव के पास शिफ्ट हो गया तो आपका जो वाटर है वाटर गायब हो रहा है, इसीलिए इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये देखो वाटर पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डिहाइड्रेशन, ठीक है। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या होएगा, ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहां चला जाएगा एंड एच पॉजिटिव गायब हो जाएगा, एंड क्या गायब हो गया, ठीक है। अब एक बार फिर से करते हैं क्या हुआ देखना, ठीक है। उसके बाद से आई वुड वॉन्ट यू ऑल टू डू इट अगेन वंस मोर। तो सबसे पहले हमारे पास है CH3CH2O पे लोन पेयर विथ एन H, कौन इसको अटैक कर रहा है, इसको अटैक कर रहा है H प्लस। जब H प्लस इसे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3, बताते जाओ, ठीक है। एंड अब पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ गया, ऑक्सीजन। अब दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल आएगा CH2OH, जहां पे हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और अब ये है CH3CH2OH एंड O पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब अगर ये बॉन्ड पेयर इधर जाएगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसीलिए ये लोन पेयर इसको अटैक करता है। तो इस लोन पेयर ने जब अटैक किया तो हमारे पास क्या बना, पहले तो CH3CH2 है ही है,
उसके बाद से ओ आ गया, ठीक है, ओ के पास एच है और फिर सी एच टू सी एच थ्री है. अब आई मेक आई एम यूजिंग कलर्स टू शो व्हाट हैपेंड. ये सी एच थ्री सी एच टू तो है ही है, सी एच थ्री सी एच टू है ही है. उसके बाद से यहां से जो हमारा सी एच थ्री ओ एच है वो यहां पे ऐसे आ गया. एंड व्हाट हैज बीन रिलीज्ड गाइस? वाटर. अब इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है पॉजिटिव चार्ज है उसको हटाने के लिए ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन इसके पास गया. और जब ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो हमारे पास आ गया सी एच थ्री सी एच टू ओ. वापस लोन पेयर आ गया सी एच टू सी एच थ्री विथ एन एच पॉजिटिव. That is why it will also be known as, देखते कितने लोगों को याद है. है शाबाश, मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही बता दिया. So this is an acid catalyzed mechanism. ये कितने टेम्परेचर पे होगा? 431. और अगर इसी को आप कर देते 443 केल्विन पे तो क्या हो जाता? Elimination. Elimination होके क्या बन जाएगा? Alkene. तो अब ये मैकेनिज्म एक बार खुद बनाने की कोशिश करो. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रादर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ इथर इज विलियमसन सिंथेसिस. रोहित तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हो गया सर. ओके ठीक है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इसका, आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, एक और जगह लिखूंगा ये चीज, ओके, इज विलियमसन सिंथेसिस. इसमें हमारा क्या होता है, आर एक्स मतलब एक एल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे? एल्काइल हैलाइड. और दूसरा लेंगे हम क्या? सोडियम एल्को ऑक्साइड. क्या लेंगे? सोडियम एल्को ऑक्साइड. तो इससे हमारा बनेगा इथर एंड वी विल गेट एन NaX. अब हमेशा याद रखना द एल्काइल हैलाइड शुड ऑलवेज बी प्राइमरी बिकॉज दिस इज एन SN2 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म इज वन स्टेप मैकेनिज्म. याद है हैलोल्केन्स हैलोरीन्स? Yes, sir. And it favors primary, then secondary, then tertiary. अगर इसमें हम alkyl halide tertiary ले लेंगे तो it will favor elimination reaction. It will favor which reaction? Elimination reaction. And it will give us an alkene. So once more, Williamson synthesis में जो alkyl halide है वो क्या होना चाहिए? द एल्काइल हैलाइड शुड ऑलवेज बी प्राइमरी. व्हाई शुड इट बी प्राइमरी? बिकॉज़ इट फेवर्स SN2 मैकेनिज्म. ओके, अगर RX एल्काइल हैलाइड टर्शियरी हुआ तो इट विल फॉलो व्हिच प्रोसेस? एलिमिनेशन. एंड इट विल गिव अस व्हाट? एल्कीन. तो इसको कहीं पे बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो. नाउ let's look at the mechanism. What did we just discuss? It is a one step mechanism. SN2 is a one step mechanism. Yahan pe main likh raha hu, this is our SN2 mechanism. So what is happening is, again maine kya kaha tha, kya dhoondna? Electron density kahan pe hai? To ye electron density is attacking ये कार्बन. इस कार्बन को अटैक क्यों करेगा? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से ब्रोमीन के पास डेल्टा नेगेटिव है, कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव है. ओके, और जो हमारा Na पॉजिटिव है और Br नेगेटिव है वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होके NaBr बन गया. तो क्या इसमें कोई डाउट है इस मैकेनिज्म में?
लेकिन अगर हमने टर्शरी लिया, अब यहां पे देखना, वी हैव टेकन अ टर्शरी एल्काइल हैलाइड, इट इज गोइंग टू फेवर एलिमिनेशन एंड नॉट अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. Take a look what has happened. I was supposed to take what? I was supposed to take this one. Tertiary haloalkane. And see what it has formed. An alkene. And the product? Ek product to NaBr hi hai. Dusra product kya ho gaya? CH3OH. To bilkul isko very very important karke yahan pe likh lo. ये दोनों रिएक्शन जनरली बोर्ड्स में आते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या हुआ और क्यों हुआ. इम्पोर्टेंट. ओके, सो व्हाट इफ वी टेक अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड? सेकेंडरी का बेटा जनरली सेकेंडरी होगा तो इट विल गिव यू द विलियमसन सिंथेसिस, लेकिन सिलेबस में नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके सर. ओके, so can I scroll down? So question time. Okay, so these are the two questions. Jaldi se. Okay, what would be the major product? It is methyl propene. Exactly. Abhi jo kiya tha, abhi humne kya kiya tha कि अगर ये टर्शरी हैलो एल्केन है तो इथर तो नहीं बन सकता भैया, इथर तो बनेगा नहीं. ठीक है, सो द मेजर प्रोडक्ट विल बी CH3 C double bond CH2 with a CH3. दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. अगर हमें इसका सूटेबल रिएक्शन चाहिए ये बनाना है तो क्या करेंगे, ये जो येलो में मार्क किया है मैंने उसे स्विच कर देंगे, Cl लेके आ जाएंगे इधर, C2H5Cl इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा CH3 C CH3 ONA and a CH3. दिस इज योर NCERT एग्जाम्पल ऑल्सो. And see the answer that is given in the book. ठीक है? Yes, sir. Now, अब अगर हमें फिनोऑक्साइड के साथ बनाना है इथर, तो सबसे पहले फिनॉल को रिएक्ट करेंगे किसके साथ? इस सब्सटेंस का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो H चला जाएगा, H के बदले में Na आ गया. ये कैसा हैलाइड होना चाहिए? प्राइमरी. तो हमारे पास बन गया इथर. क्या बन गया? इथर. अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है, पेंटेन नहीं आएगा लेकिन ये दो आएंगे. Why is there such a huge difference in the boiling point of ethoxyethane and butane 1-ol? Jabki both of them have similar mass. So because alcohol has a hydrogen bond. Hydrogen bond between the molecules, yes. They have strong hydrogen bond between the molecules, but here it is just a dipole-dipole interaction. Okay, तो ये चीज, ये आंसर देखना पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब जगह यही आएगा. Why are the lower ethers soluble in water? Due to hydrogen bond. Exactly. The lower ethers are soluble in water because it is forming hydrogen bond with water. आपने, हमने सबने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि हमारा, when is the hydrogen bond formed? Between the oxygen of one molecule and the hydrogen of another molecule.
और नाइट्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल और फ्लोरीन ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो ये चीज आ गया समझ में कि yes, sir. इथर का क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथर का क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पे मैं लिखूंगा फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? विलियमसन सिंथेसिस कौन से मैकेनिज्म से था? SN2। ये वाला जो उल्टा मैकेनिज्म है वो होगा SN1 से, ठीक है। अब SN1 से होगा तो कितने स्टेप में होता है? टू स्टेप्स। टू स्टेप में फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकटायन बनता है। एंड कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी बताओ? टर्शियरी देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। एग्जैक्टली, ठीक है। तो बेसिक रिएक्शन तो सेम रहेगा, क्या हो जाएगा? एक आर चला जाएगा एक एक्स के साथ और दूसरा जो बचा ओ आर चला जाएगा एच के साथ। तो हमें मिलेगा एक आर एक्स मिलेगा और एक आर ओ एच मिलेगा। तो एक आर एक्स मिल गया और एक हमारे पास क्या आ गया? आर ओ एच, ठीक है। सेम थिंग यहां पे हुआ। यहां पे भी देखोगे तो आर चला गया एक्स के साथ, आर एक्स बन गया और ओ चला गया, ओ किसके साथ गया? एच के साथ, एंड ओ एच बन गया। इज दिस क्लियर? यानी कि अगर मैं आपको एक रिएक्शन दूं, C2H5O C2H5, उसको हमने रिएक्ट किया एच एक्स के साथ, क्या बनेगा? C2H5X plus C2H5OH. Right, C2H5X. एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। जैसे जो इथर है हमारा वो दोनों में मतलब अलग अलग वो, जैसे इसमें मिथॉक्सी इथेनो वो सब आ रहे उसी पे आ रहे हैं। अब उसी पे आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे बेटा क्या दिया है? R दिया है एंड R डैश दिया है, मतलब अनसिमेट्रिकल इथर है। तो अनसिमेट्रिकल में जो आर एक्स होगा दैट विल बी फेवर्ड बाय टर्शियरी, उल्टा होगा, एंड दिस विल बी फेवर्ड बाय प्राइमरी, ठीक है। जैसे विलियमसन में जब हमें आर एक्स लेना था तो कौन सा बन रहा था आर एक्स? प्राइमरी। क्यों? क्योंकि वो कौन सा मैकेनिज्म था? लेकिन यहां पे जो आर एक्स बनेगा वो क्या बनेगा? क्यों टर्शियरी बनेगा? SN1 मैकेनिज्म फेवर्स विच वन? टर्शियरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो ये देखो वही एग्जाम्पल जो आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे, यहाँ पे वही चीज आ गया कि ये हमारा टर्शियरी है। टर्शियरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, तो टर्शियरी आई के साथ चला गया, तो यहाँ पे आई आ गया टर्शियरी के साथ। व्हाई? अगेन रीजन, बिकॉज दिस फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। SN1 mechanism favors tertiary, ठीक है। और जो बाकी बचा वो बाकी चीज जो है वो alcohol बना जाएगा, CH3OH बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से आ गया हमारे पास question time। अरे question तो नीचे चला गया। Give the major products that are formed by heating each of the following in HI. Major products बताने हैं भाई, of the alcohols that you have got.
इन केस वन व्हाट इज द अल्कोहल वी हैव गॉट? इथेनॉल. बिल्कुल सही, इथेनॉल बनेगा. सेकेंड वाले में कौन सा अल्कोहल बनेगा? प्रोपेनॉल. एंड थर्ड वाले में कौन सा अल्कोहल बनेगा? फिनॉल. एग्जैक्टली, फिनॉल बनेगा. अब लेट्स चेक द आंसर्स अगेन. दिस वाज अ एग्जांपल इन एनसीईआरटी. ओ, यहाँ पे उल्टा है. आपका अल्कोहल तो 1, 2, 3, 4, 2 मिथाइल. ये मुझे चेक करना पड़ेगा बेटा, ठीक है? ये ऐसा क्यों हुआ? बाकी तो सेम है, बाकी हमारा आंसर सही है. बट व्हाई डिड दिस वन कम लाइक दिस? लेट मी चेक दैट आउट. क्या चीज बेटा? सम मिसप्रिंट हो सकता है. नहीं बेटा, एनसीईआरटी है. एनसीईआरटी में बहुत कम मिसप्रिंट है, बहुत कम. बाकी अगर आप बाकी बुक्स पढ़ रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ोगे या वो कौन सा है, कौन कौन से बुक्स यूज करते हैं लोग 11th 12th में, प्रदीप मॉडर्न, हाँ, इन सब में आपको एरर मिलेगा. लेकिन एनसीईआरटी में बहुत कम एरर्स है. इसको मैं देखता हूं कि ये क्यों ऐसा हुआ. ठीक है, तो आते हैं. अब ये तो आप सबको पता है, अगर ये ओ आर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. क्या चीज पूछी आपने? ये जो ओ आर लगा है बेटा बेंजीन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है? सो विथड्रॉ. ए भाइयों, क्या कह रहे हो आप लोग? ये देखो, बेंजीन की तरफ जा रहा है. और याद है 11th में भी मैंने कहा था कि अगर हमारे पास यहाँ ये लोन पेयर होगा, जब भी लोन पेयर होगा तो इट विल ऑलवेज बी माय डियर फ्रेंड्स अ डोनेटिंग ग्रुप. इट विल ऑलवेज बी अ डोनेटिंग ग्रुप. तो हमारा जैसे कि अगर क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे Cl है, Cl के पास 3 लोन पेयर है, तो वो भी डोनेटिंग ग्रुप होगा. अगर हमारे पास फिनॉल है तो फिनॉल में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ये भी डोनेटिंग ग्रुप है. और जब भी डोनेटिंग ग्रुप होता है तो दे एक्टिवेट दी विच पोजिशंस? नाम बताना. ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस. फॉर व्हाट दे एक्टिवेट दी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस? फॉर व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक. यस, सो दे एक्टिवेट देम फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब ये जब OCH3 लग जाता है बेटा, तो उसका कॉमन नेम क्या है? एनिसोल. बिल्कुल सही, इसका नाम है एनिसोल. अब ये जो ब्रोमीन ऐड हो रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? ब्रोमिनेशन. अगर हम फिनॉल को ब्रोमिनेट करते विदाउट CH2, अगर हमने ये लास्ट क्लास में किया था कि अगर हम फिनॉल को ब्रोमीन डाल दें विदाउट CH2, तो क्या बनेगा? 2.4.6 ट्राइब्रोमो. एग्जैक्टली, यानी कि मेरा एक ही बच्चा रिएक्शंस याद कर रहा है. अगेन मैं आप लोगों से एक ही विनती कर रहा हूं, अब आपका 11th 12th दोनों इम्पोर्टेंट हो गया है. बोर्ड में आप 33 भी लाओगे, 40 भी लाओगे, 60 भी लाओगे, 80 भी लाओगे, चलेगा. लेकिन सारे एडमिशन हो गए हैं कौन सा बेस? एंट्रेंस बेस. और सबके एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आते हैं?
11th एंड 12th। तो भैया जो लोग कह रहे हैं ना कि आप बोर्ड में नहीं लाएंगे तो भी चलेगा, अगर बोर्ड में नहीं लाओगे तो जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स कहाँ से लाओगे? डोमेन में मार्क्स ही नहीं आएगा तो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा क्या? नो सर। तो यानी कि पढ़ना तो है ही, ठीक है? तो चाहे सीबीएसई के लिए पढ़ो चाहे एंट्रेंस के लिए पढ़ो, आपको सारे रिएक्शंस बेटा याद होने ही चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ना घर के ना घाट के, ना जेई के बचेंगे ना सीयूईटी के बचेंगे, और कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि कॉलेज में ह्यूमैनिटीज में जाओगे तो भी एंट्रेंस है। पहले तो कट ऑफ पे हो जाता था कि भैया ले लो कुछ नहीं मिल रहा है तो ह्यूमैनिटीज में एडमिशन ले लो, अब तो वो भी नहीं पॉसिबल है भाई, उसके लिए भी एंट्रेंस देना पड़ेगा और उसमें डोमेन लेना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करोगे तो इंग्लिश विल बी योर डोमेन सब्जेक्ट। तो भाई सीयूईटी ने मजेदार काम कर दिया है, सीयूईटी ने मेरा काम बहुत इजी कर दिया है। पहले बोलना पड़ता था पढ़ो, अब मैं कहूंगा मत पढ़ो, क्यों? 12th के बाद फिर नौकरी ढूंढना, कॉलेज भी नहीं मिलेगा, इंजीनियरिंग कोर्सेज भी नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, नौकरी ही करना पड़ेगा। ओके सो गाइस, जो भी सोच रहे हैं कि अब बहुत इजी हो गया है, तुम्हारा फर्स्ट बैच है जो इसमें 11th 12th दोनों आएगा सीयूईटी में। लास्ट ईयर वाले बच्चों का, इस साल वाले जो बच्चे हैं जो सीयूईटी दे रहे हैं उनको क्या आ रहा है? ट्वेल्थ का एग्जैक्टली। और सिर्फ टर्म टू नहीं आ रहा है, टर्म वन भी आ रहा है, और जो रिड्यूस सिलेबस था ना वो भी आ रहा है। बेचारे भाग रहे हैं इधर से उधर कि यार कोई हमें टर्म वन पढ़ा दो, कोई हमें रिड्यूस सिलेबस पढ़ा दो, और पता है लोग कितना कितना चार्ज कर रहे हैं उसके लिए। आज ही एक बच्चे से बात हुआ, सर सीयूईटी पढ़ा दो। मैंने कहा भाई सीयूईटी तुम्हें क्यों करना है? उन्होंने कहा डोमेन पढ़ा दो। मैंने कहा भाई डोमेन में क्यों पढ़ाऊं, तुमने ऑलरेडी पढ़ तो रखा है, व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट मनी? सेकेंड टर्म का अभी अभी एग्जाम दिया है, फर्स्ट टर्म का रिवाइज करना है, और रिड्यूस सिलेबस के 10-15 पेज ही तो पढ़ने हैं। नहीं सर बाकी जगह बहुत ले रहे हैं। मैंने कहा कितना ले रहे हैं? सर 10 से 25 हजार मांग रहे हैं एक एक सब्जेक्ट का। तो अगर मैंने डोमेन फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिया है तो 1 महीने पढ़ाने के लिए डोमेन सब्जेक्ट, वो भी कह रहे हैं कि रिड्यूस पढ़ाएंगे, फर्स्ट टर्म पढ़ाएंगे सेकेंड टर्म नहीं पढ़ाएंगे, उसी का 10 से 25 हजार मांग रहे हैं। तो अब आप लोग सोच लो, जब आप लोग डोमेन का दोगे सीयूईटी का तो 1 महीने का गैप होगा, और उसमें दोनों साल का अगर पढ़ाने के लिए होगा तो कितना मांग लेंगे? यू आर नॉट बिग इनफ, ठीक है? कॉमर्स यही कहता है कि नीड का फायदा उठाओ, नीड है बच्चों को उठा लो फायदा, भाई आएंगे पढ़ना ही है उन्हें। ओके सो आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू बी लाइक दैट, आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रिपेयर फ्रॉम राइट नाउ। अभी हमारे पास टाइम है, समर वेकेशन चल रहा है, समर वेकेशन में 11th के सिलेबस को रिवाइज कर डालो पूरा। ओके अब ये जो रिएक्शंस यहाँ पे लिखे हैं इसका एक स्पेशल नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन? क्राफ्ट आएगा नहीं। बिल्कुल सही। ओके सो इट इज फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। और व्हाट इज द दूसरा रिएक्शन? क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। सो ये हो गया फ्रिडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। ना नेक्स्ट में नाइट्रो ग्रुप लग रहा है तो इसे क्या कहेंगे? नाइट्रोजन। अगेन रिविजन ऑफ फिनॉल। इसी के पहले अगर मेरा फिनॉल था और फिनॉल पे मैंने लिया, नाइट्रोजन पहले मुझे वो लिखने दो, H2SO4 और NO3 होगा तो क्या होगा? और अगर फिनॉल पे सिर्फ कॉन्क HNO3 होगा तो क्या होगा? से तो पहले वाले में पिछले का एसिड बनेगा।
पक्का पक्का एक यस बार चेक करो, मेरे ख्याल से पहले वाले में ऑर्थो नाइट्रो बनेगा, और जब कॉन्ग HNO3 सिर्फ लेंगे तो बनेगा पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। एक बार चेक करो, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूं, मैंने रट्टा नहीं मारा है। चेक करो लास्ट क्लास का, सर परफेक्ट करेक्ट? ठीक है, तो ऐसे याद करना है, नहीं तो हम तो भैया गो खो जाएंगे। ठीक है, एक-एक रिएक्शन याद करना है। ऑलरेडी हम, इफ पीपल आर राइटिंग डाउन द रिएक्शंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 120 रिएक्शंस हो चुके हैं। क्लास 12th में पी डी एन एफ सबको मिला के कम से कम 500 रिएक्शंस है। 10 रिएक्शंस पर डे विल फिनिश ऑफ लर्निंग ऑफ द रिएक्शंस इन हाउ मेनी डेज, 50 डेज। ठीक है, इसमें मैं चेंज कर देता हूं, ऊपर पे मैं लिख देता हूं डाइल्यूट HNO3। ठीक है, डाइल्यूट HNO3, और यहाँ पे कॉन्क HNO3। अब ठीक है बेटा? यस सर, सर वो इसमें कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक, नो वरीज नो वरीज। पहला क्वेश्चन हो गया गाइस, ओके यस सर, चेक करें। ठीक है, सबसे पहले हमें इथेनॉल है प्राइमरी जो होगा उसको बनाना पड़ेगा एल्कोक्सी में, सॉरी एल्कोक्सी कह रहा हूं, हैलो एल्केन में। ठीक है, तो इसको हैलो एल्केन में बनाने के लिए व्हाट एम आई गोइंग टू डू? सो मैंने SOCl2 डाला। ओके, SOCN2 डाल दिया तो ये बन गया C2H5Cl। अब दूसरा वाला है हमारे पास 3-methyl-pentane-2-ol, 1, 2, 3, 4, 5 टू ओल है एंड 3 पे मिथाइल है। ठीक है, डायरेक्टली ये रिएक्ट नहीं करेगा, सबसे पहले हम इसको रिएक्ट करेंगे। तो 2 पे नहीं बेटा, वो तो आंसर है, वो आंसर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये बनाना है इसके और इसके हेल्प से। ठीक है, तो हमारे पास अब NaOH अगर हम डाल देंगे तो हमारे पास आ गया CH3CHONa, फिर CH3 CH2CH3। आप ये तो दोनों मैंने इसमें सिर्फ NA डाला है। सिर्फ Na डाला है? हाँ, उससे भी हो जाएगा। ओके, बट जनरली जब सिर्फ Na होता है तो दैट रिएक्शन इज गिवन बाय कंपाउंड्स विच हैव हाईली एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो Na से भी हो जाएगा ना। अब इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो आपका Na और Cl चला गया, और आपका यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, C2H5। तो ये रहा CH3, CH O के साथ आ गया C2H5। अब देखो जो कंपाउंड बनाने के लिए बोला है क्या वही बना है? अच्छा ठीक है ना, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, एवरीवन फाइन विद इट? यस सर ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन माय डियर फेलोज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy 4-nitrobenzene, विच वन इज अप्रोप्रिएट? 30 सेकेंड का टाइम। सर सर हाँ जी बेटा, दोनों बोलो। अप्रोप्रिएट है बट सेकंड वाला विल बी मोर प्रेफरेबल। एग्जैक्टली, यहां Br होने के वजह से देर इज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आउट हियर, सो इफ देर इज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आउट हियर इट जनरली डज नॉट वॉन्ट टू गो SN मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहता।
क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, लेकिन यहां पे एन ए है, एन ए बी आर के साथ चला जाएगा एंड सी एच थ्री कैन गेट अटैच टू द ओ. दैट इज वाई द मोर अप्रोप्रिएट मेथड इज द सेकेंड वन. इज इट क्लियर टू एवरी वन? नाउ नाउ लेट्स कम टू द 12th वन. ओके, अब इसको जल्दी से करें. 30 सेकेंड्स फॉर कंप्लीटिंग ईच रिएक्शन. सबसे पहले वाले में द इजियर वन विच विल नॉट गिव मच ऑफ अ स्टेरिक हिंड्रेंस इज हियर. तो ये बनेगा सी एच थ्री बी आर एंड दूसरा वाला बना जाएगा सी एच थ्री प्रोपेनॉल. या एग्जैक्टली. ओके, यहां पे ये चला जाएगा बी आर के साथ सी टू एच फाइव बी आर और फिनॉल बनेगा. फिनॉल हमेशा याद रखना, जब भी बेंजीन वाला होगा तो फिनॉल ही बनेगा. अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा ऑर्थो वाला और एक कंपाउंड बनाएगा पैरा वाला. कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? पैरा. ठीक है, तो देखा ऐसे याद हो जाएगा एक ही चीज बार बार कहते हुए. अब इसमें टर्शियरी पे आएगा आपका एल्काइल, ठीक है, सॉरी हैलोजन, एंड जो प्राइमरी है उस पे आ जाएगा अल्कोहल. तो चेक करें. यस बेटा, तो फर्स्ट वाले में सीएचसी पे बीआर क्यों आया? ओके, कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है बेटा? तो SN1 SN2 SN ये है फॉर्मेशन ऑफ इथर वाज SN2 विलियमसन. ये है SN1. SN1 में क्या बनता है? कार्बोकैटायन. ठीक है, अब देखते हैं कार्बोकैटायन में, क्योंकि दोनों प्राइमरी है, एक बनाएगा CH3 पॉजिटिव और एक बनाएगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव. अब एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव को कम करेगा और आयन को स्टेबलाइज करेगा. जहां पे आयन ज्यादा स्टेबलाइज होगा वो आपका मेजर कार्बोकैटायन है. तो यहां पे ये वाला मेजर कार्बोकैटायन हो गया जो कि एच के साथ रिएक्ट कर गया. ठीक है, ओके सर. तो मेरे ख्याल से चैप्टर खत्म, इसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए. चैप्टर खत्म ना? ऐ शाबाश. ठीक है, सो चैप्टर इज ओवर. तो आज तक कौन कौन सा चैप्टर हो गए? सॉल्यूशंस हो गया, ठीक है, हैलोकेन्स हैलोरीन्स हो गया और ये वाला हो गया. आप क्या करना चाहते हो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? यस सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, बुक टू में और किसका क्या क्या हुआ है? तो एल्डिहाइड कीटोन हो गया और बायोमोलिक्यूल. बायोमोलिक्यूल वो छोटा है, वो मैं करवा दूंगा, इजी है, वो तीन क्लास का चैप्टर है. तो बायोमोलिक्यूल एग्जाम में आएगा. कब है एग्जाम? कब है? जुलाई के पास ना, उस समय तो हो जाएगा. हो जाएगा खत्म, हो जाएगा उस समय तक. ठीक है, तो विल स्टार्ट ऑफ विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड देन विल कम बैक टू बायोमोलिक्यूल्स. चलो देन, बाय बाय.